छत्तीसगढ़ की साई सरकार का उसकी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी जिस तरीके दे रहे थे वो आपने सुना। पेयजल के लिए 5,047 करोड़ का प्रावधान, रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को 100 करोड़, किसानों का भी ध्यान रखा जाएगा और साथ ही युवाओं के लिए भी प्लान यहां सरकार के पास है। हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी, वित्त मंत्री तो ये कह रहे हैं कि उनके पास, उनकी सरकार के पास सभी के लिए प्लान है, संतुष्ट हैं आप जो भी आपने अब तक सुना बजट में? देखिए, मैं सुबह से तो टीवी चैनल पे तो इतना गौर से नहीं सुना, मगर जो मैंने कुछ बारीकी चीज सुनी है उसके तहत मैं बताऊंगा कि देखिए, बहुत से जनता को अपेक्षाएं थी इस बजट से, क्योंकि आम आदमी की खासतौर से बात करूँ, किसान की बात कर दी, मजदूर की बात कर दी, बहुत अपेक्षाएं थी मगर अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे। एक्चुअली बोलूंगा, देखिए इसमें कहीं पे भी बात नहीं करती सोची। देखिए, अगर आदमी आम जन की बात की, तो आम जन अपने बारे में सोचता, किसान अपने बारे में सोचेगा, मजदूर अपने बारे में सोचेगा, महिलाएं अपने बारे में सोचेगी, तो किसानों के लिए करती से कब से देंगे मालूम नहीं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जिसमें छात्रों के रोजगार जो बोला है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, और महतारी बंधन इन्होंने जो पात्रता जो बना दी है उसको, यहाँ की काफी महिलाएं जो है 70% महिलाएं छत्तीसगढ़ की, वो पात्र जो इन्होंने क्लॉज लगा उसकी वजह से बाहर आ गई है, तो वो बैठी हुई अपेक्षा करके कि भाई इस बजट में हो सकता है कि वो पात्र वाले जो क्लॉज हट जाएंगे तो हम सब महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि देखिए शादी की उम्र 18 साल होती है और 21 साल से तो ऐसे शुरू कर दिया, बाकी बहुत और तमाम चीज जो क्लॉज है, तो इस पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आम जन को कुछ नहीं मिला। एक चीज मेरे को अच्छा लगा है कि इन्होंने कम से कम 15 साल में छत्तीसगढ़ के खेल कूद के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ खेल कूद के बारे में सोचा तो इन्होंने एक बजट बनाया, मगर वो भी इतना कम बजट, छत्तीसगढ़ क्रीडा करके इन्होंने बनाया 20 करोड़। बताइए, छत्तीसगढ़ के आम जन की अगर मैं बात करूं, हमने ओलंपिक्स करवाया था उसमें लगभग ओलंपिक को छत्तीसगढ़ कराने में ही 5 या 7 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ था, और ये 20 करोड़ की बात करें तो ये भी एक लॉलीपॉप दिया गया। कहीं पे भी एक चीज और बोलूंगा, इन्होंने हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगाया कि हमने 45 करोड़ से 80,000 करोड़ के आसपास कर्जा कर दिया, और हमारे अगर कर्जे की बात करूं तो ब्याज आता था प्रति वर्ष 7,000 करोड़ के आसपास। इन्होंने इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात कर रहा हूँ, इसी वित्तीय वर्ष में इन्होंने मात्र 20,000 करोड़ के कर्जे का प्रावधान बना और 8,400 करोड़ ब्याज देंगे, तो ये कहां जा रहा है? ये दिख रहा है कि अगर एक साल में अगर 20,000 करोड़ ये कर्जा लेंगे तो 5 साल में क्या होगा, तो ये दिखता है सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिया जा रहा है, आम जन के लिए कुछ नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ, एक और चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भेदभाव किया गया, इन्होंने अपने जहां पे विधायक है वहां पे बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं, मगर जहां कांग्रेस विधायक आते हैं वहां पे इन्होंने प्रावधान नहीं बनाए, तो वो भी एक देखने में चाहिए कि भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आज जनता तो सबके लिए बराबर है, जनप्रतिनिधि वही रहेगा जो जनता ने चुनकर भेजा है, भले वो कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का, काम तो उनको करना ही जनता के लिए, तो ये भी एक भेदभाव किया जा रहा है। इससे बोलूँ आम जन को कहीं कुछ नहीं मिला है, किसानों के कत्ते से कब से देंगे नहीं मालूम है, महतारी बंधन क्लॉज हटेगा नहीं मालूम, वो भी कब से देंगे नहीं मालूम है, इसलिए 500 सिलेंडर हम महत्वपूर्ण चीज, 500 सिलेंडर उसकी तो बात ही नहीं की गई है, महंगाई से राहत दिलाने के लिए 500 सिलेंडर की बात नहीं की थी, उसकी बात नहीं की गई, 500 सिलेंडर कब से देंगे, तो तमाम ऐसी चीजें जो आम जन को कुछ नहीं मिला। सत्यप्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं है और जहां दिया भी गया है तो वहां पर क्लैरिटी नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना? 7,000 रुपए जो पहले थे उस, सत्यप्रकाश जी आवाज आई आप तक मेरी? जी जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ जो आपने बोला, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ मिला नहीं है। अमित चिमनानी जी हैं, प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, वो भी जुड़ गए हैं टीवी स्क्रीन पर, दर्शक देख पा रहे होंगे उन्हें। अमित चिमनानी जी, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि जो भी आपने पेश किया है ना वो सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह किया गया है, जहाँ काम करना चाहिए था वहाँ काम हुआ नहीं, और जो किया भी है तो वो बिल्कुल दुविधाओं के घेरे में किया है। मैं अभी विधानसभा से लौट रहा हूँ और अध्यक्षीय दीर्घा में मैं कांग्रेस के सारे विधायकों के चेहरे देख रहा था, वो बहुत उतरे हुए थे, सारे कांग्रेस के विधायक, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, इतने निराश मुझे अपने जीवन काल में कभी नहीं दिखाई दिए। और इस निराशा का कारण है अपर्णा जी कि आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक बजट जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन है, छत्तीसगढ़ के लिए एक लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए प्रावधान है, मोदी जी की जिस गारंटी के बल पर हम यहां पर आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो महतारी वंदन हो, चाहे वो नल जल की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, एक एक प्रावधान को 1.5 घंटे तक हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया। जी, आपको रोकना चाहूंगी, टंकराम वर्मा जी हमारे साथ, खेल मंत्री जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। सर, बजट पेश किया आपकी सरकार ने आज, कैसा रहा बजट? बहुत बढ़िया रहा बजट, जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी की कड़ी में एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी सम्माननीय ओपी चौधरी और हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी सर, स्पोर्ट्स के लिए क्या खास रहा इस बजट में? हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ बोलिए जी सर। तमाम वो लोग जो चाह रहे थे कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स में काम किया जा रहा है वो आगे भी चलता रहे, तो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कुछ खास प्रावधान बजट के अंदर? देखिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छे प्रावधान रखे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखे हैं और हमारे जो स्टेडियम है, रायगढ़ का स्टेडियम, उसको मॉडर्न बनाने के लिए, जसपुर का स्टेडियम, उसके लिए भी प्रावधान रखे हैं। दो नए इंडोर स्टेडियम बनना है, उसके लिए भी प्रावधान रखे हैं। और जो हमारे जो युवा प्रतिभा हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उसके सम्मान के लिए भी इसमें प्रावधान रखे हैं। कुल मिलाकर के हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको आगे ले जाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बजट जो है बहुत बढ़िया है। जी, कांग्रेस लेकिन संतुष्ट नहीं है आपके बजट से? कांग्रेस कहाँ संतुष्ट रहेगा, वो तो थका है, हारा है, निराशा है, उनको तो हर चीज में निगेटिव दिखाई देगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिया ही कुछ नहीं, और जहां दिया गया है तो वहां क्या प्रावधान है, क्या नियम है, वो क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। देखिए, बिना टैक्स लगाए, बिना जनता के ऊपर भार किए इतना बड़ा बजट आया है सभी वर्गों के लिए, चाहे युवा कहें, चाहे महिला कहें, उद्यमी कहें, छात्र कहें, सभी के लिए बहुत बेहतरीन बजट है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसी तर्ज में बहुत बेहतरीन बजट आया है। ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के समृद्धि के लिए है, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है। सर, विकास के लिए जरूरी ये भी रहता है कि जो सरकार पर आर्थिक बोझ ज्यादा ना पड़े। क्या आपको लगता है कि जो तमाम योजनाएं शुरू करने की बात की गई हैं, छत्तीसगढ़ पर उसका आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं बहुत संतुलित और बहुत सोच समझकर बनाया हुआ बजट है। बिना भार, बिना कर के इतनी बड़ी योजना सभी के लिए लाया गया है, बहुत अच्छा बेहतरीन बजट है। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं 2047 की, उस विजन को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ खास इस बजट के अंदर है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए, छत्तीसगढ़ की आवाम के लिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की मूल भावना है कि छत्तीसगढ़ के जो गरीब हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, तो हमारी जो विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी, तो उस गारंटी को पूरा करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, किसानों को 2 साल का बोनस, महतारी वंदन के तहत सभी हमारे बहनें और महतारियों को 12,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान, इससे उनके क्या है, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगे। सर, कांग्रेस के नेता सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, अब तक वो सवाल उठा रहे थे बजट को लेकर। सत्यप्रकाश जी, मंत्री जी हमारे साथ हैं, खेल मंत्री जी टंकराम वर्मा जी, आपका एक सवाल था कि इस बजट में किस तरह से नजरअंदाज किया गया है खेल को, खिलाड़ियों को, जरा सवाल दोहरा दीजिए अपना। सरकार ने हमने छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स करवाया, उसमें कितना खर्चा होता है, और ये अभी छत्तीसगढ़ क्रीडा की बात कर, बढ़ावा दे 20 करोड़ मात्र, आप ये यहाँ पे जो युवाओं प्रतिभा को उभारने के लिए मात्र 20 करोड़। और आप देखिए, एक चीज और बोलूंगा, एक सवाल और मैं आम जनता के साथ बात करना चाहूंगा, विपक्ष के होने के नाते आम जनता की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो देखिए, आम जनता के साथ कितना 3100 का कब से आएगा ये मालूम, महतारी को जो है वो क्लॉज क्यों लगाया गया, 18 साल से अगर शादी की उम्र है तो आप 21 साल से क्यों चालू कर रहे हैं, उसका भी आप हटा देते प्रावधान। और एक चीज अगर बजट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इनका 3 साल का कार्यकाल मेरे को याद आता है, स्टेट कैपिटल रीजन इन्होंने उस समय भी बोला था, जो 2008 में, तो उस समय भी बोला क्या हुआ था, और उस समय भी नया रायपुर आईटी हब बनाने की बात 2008 में भी की गई थी, तो इन्हें घोषणाएं बजट में घोषणाएं तो करते थे मगर धरातल पे आती है कि नहीं, मुख्य बात है। अभी भी मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो 80% विभाग ऐसे हैं जिसमें 17% भी बजट का खर्च नहीं होता है, तो भाजपा का तो ये रीति नीति है
कि आप बजट प्रावधान करिए, पर धरातल पे जाता नहीं है। और वही वही दो तीन चीजें तो ऐसी है जो 15 साल में भी उन्होंने बजट में डाला था, वो प्रावधान फिर से लेके आ गए हैं। वही घिसी पड़ी चीजें हैं। इसमें किसानों के लिए क्या है ये बता दीजिए, आदिवासियों के लिए क्या है ये बता दीजिए, ये करोड़ प्रावधान आपको काफी नहीं लग रहा है? मजदूरों एक चीज और, मजदूरों के लिए, मजदूरों जो इन्होंने 10,000 करोड़ देने की बात की, उसमें भी जो बजट प्रावधान के वो बहुत कम बजट है। टंकराम वर्मा जी ने शुरुआत में बोलते थे कि कांग्रेस संतुष्ट कहाँ होती है। वर्मा जी संतुष्ट होते अगर मिलता संतुष्ट, उसमें क्यों दौरा नहीं है, अगर मिलता तो हम होते। ठीक है सत्यप्रकाश जी, टंकराम जी देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भूमिहीन कृषकों को 10,000 रुपया देने का बजट में प्रावधान रखा है, 500 करोड़ रुपए उनके लिए आ गया है। महतारी वंदन के लिए बजट में पूरा प्रावधान है। ऐसा कोई बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो और बजट में प्रावधान न हो। अब विपक्ष का काम है चिल्लाना, गलती निकालना, ये उनका काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो पूरा बजट में प्रावधान उसका रखा है। और ये जो है बजट जो है हमारे छत्तीसगढ़ को समृद्धशाली, खुशहाली और विकास की ओर आगे ले जाने वाला बजट है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार बधाई देता हूं। सर, महतारी वंदन योजना को लेकर जो कांग्रेस का सवाल था कि क्लॉज क्यों रखा गया है? देखिए 21 वर्ष को एक एवरेज वो माना गया है विवाह का, तो 21 के बाद ही उनको मिलेगा, उसमें कहीं पे कुछ ऐसा गलत नजर नहीं आता। और जैसे बोल रहे थे कि 3100 रुपया किसानों को जो धान का कीमत देना है उसके लिए भी डिफरेंस राशि बजट में प्रावधान आ गया है, वो शेष राशि उनको भी मिलेगा। जो घोषणाएं या जो हमारे विधानसभा के घोषणा पत्र में था सारे विषय आ गए हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है जो छूटा हो। सर, सरकार की जो सरकार की प्रायोरिटी क्या रहेगी अगले 5 सालों के लिए? बजट में तो जो प्रावधान किया गया है सो किया गया है, लेकिन क्या जिस तरह से आरोप लगते रहे चुनाव जीवी पार्टी है बीजेपी, लेकिन सरकार के तौर पर प्रदेश के अंदर आपके ऊपर ज्यादा आपके ऊपर मतलब उम्मीदें हैं आपकी सरकार से, अपेक्षाएं हैं? देखिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, हमारी सरकार की केवल एक ही प्रायोरिटी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को बहुत आगे ले जाना, विकसित करना और नंबर 1 बनाना, ये कहें केवल एक ही कि छत्तीसगढ़ को शांतिमय, समृद्धि और विकास की ओर ले जाना है। जी ठीक है, अमित चिमनानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी सवाल तो बहुत है और जाहिर तौर पर विपक्ष में जो होगा तो वो सवाल तो पूछेगा ही, पिछली बार ये काम बीजेपी निभा रही थी, इस बार ये कांग्रेस का काम है, लेकिन बजट की टेक्निकलिटीज की अगर बात की जाए तो टेक्निकलिटीज को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि आंकड़ों के खेल में बजट के जाल को आप पूरी तरह से उलझा दिया जाता है। देखिए जो आप आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आज प्रस्तुत किया बजट, उसकी खासियत ये रही कि उन्होंने एक एक बात को स्पष्ट किया और पुरानी सरकार से तुलनात्मक अध्ययन करके भी बताया। कांग्रेस के लोगों को कुछ प्रोविजंस कम लग रहे हैं कि ये कम है, क्योंकि कांग्रेस के लोग हर चीज में भ्रष्टाचार का अलग से पैसा निकाल करके उस हिसाब से कल्पना करते हैं कि इतना जनता का इतना हमारा, इसलिए कुछ राशि कम लगती होगी। भारतीय जनता पार्टी जितना प्रावधान करती है वो जनता के पास जाता है, और इतना सबको मालूम है कि ये बजट के बाद अनुपूरक बजट आता है, हमको कहीं भी राशि की आवश्यकता होगी तो हम कभी भी अनुपूरक बजट ला सकते हैं। अभी हमने सरकार में आते ही 2 अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए हैं, 1 13,000 करोड़ का, 1 25,000 करोड़ का। अभी हमने बजट के आकार को 2 अनुपूरक बजट के बावजूद भी 22% बढ़ा दिया है, आज तक छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, बिना किसी भी व्यक्ति पर 1 रुपए का कर का बोझ डालते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर आधारभूत संरचना के व्यय में 20% की वृद्धि और राज्य का जो खुद का राजस्व है उसमें 22% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसी चुनौती कभी किसी बजट ने नहीं ली है। जो माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में माननीय ओपी चौधरी जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, ये कई महीनों में छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों को साकार करने का बजट है। ये छत्तीसगढ़ राज्य को देश के अन्य राज्यों को तुलनात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा देते हुए अग्रणी रूप में नंबर 1 राज्य की तरफ बढ़ने का संकल्प लेने वाला बजट है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों में
उनके जीवन में बेहतरी लाने वाला बजट है। इसमें कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे प्रयोजन है। आपके पास समय कम पड़ जाएगा, मैं तो बैठा हूं जी लेकर के आंकड़े। कृषि क्षेत्र में केवल बता रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर हमारे अन्नदाताओं के लिए, कृषक उन्नति योजना, एक योजना में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 643 करोड़ रुपए का, एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 205, चिराग योजना के लिए 200, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 183 करोड़। 700 करोड़ तो अलग से केवल कम ब्याज में ऋण बांटा जाएगा उसके लिए दिया गया है। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर का बता रहा हूं अपर्णा जी। ऐसे ही हर क्षेत्र को, हर विभाग को ऐतिहासिक रूप से बजट का आवंटन किया है। जब माननीय वित्त मंत्री जी जब ये एलोकेशन पढ़ रहे थे तो मैं तो सोच रहा था, एक टैक्स एक्सपर्ट भी हूं उस नाते, कि ये मैनेजमेंट कैसे हुआ है, ये बजट का आकार इतना कैसे आ गया है। इसमें कर्ज की भी बात हमारे कांग्रेस के साथी ने उठाई है कि 20,000 करोड़ का तो कर्ज ले लिया। अरे ये वो लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ के 18 साल के बराबर का कर्जा लिया। वो भाजपा को कर्ज का नीति न बताएं। और मैं इसमें फर्क बता दूं, जो ये कर्ज लेते थे और हम कर्ज ले रहे हैं उसमें फर्क कैसे है। इन्होंने जो कर्जा लिया उससे भ्रष्टाचार किया, हम जो कर्जा ले रहे हैं उससे हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पढ़ना जी एक नियम है अर्थशास्त्र का कि अगर इसमें सरकार 1 रुपए लगाती है तो इसका 3 गुना पैसा वापस आता है। तो हम जो कर्ज ले रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, उससे हम विकास भी करेंगे और जनता पे कोई बोझ डाले बिना उस कर्ज को चुकाएंगे भी। और जैसे कांग्रेस के नेता आज निराश हैं, आने वाले समय में भी निराश रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास से, छत्तीसगढ़ की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से इनको पेट में दर्द होता है, यह होता रहेगा। सत्यप्रकाश जी इसका जवाब दे रहे, लालायत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास लौटूंगी, आऊंगे सत्यप्रकाश जी आपके पास। एक सवाल टंकराम वर्मा जी से यहाँ पर ले लेते हैं। टंकराम जी, जो इस बार नतीजे आए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के, वो ऐसे रहे कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी। कई बीजेपी नेताओं ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड भी स्वीकारा है कि इतना प्यार जनता का मिल जाएगा और खासकर नक्सल प्रभावित एरिया से भी दिल खोलकर आपकी पार्टी को वोट मिले। विकास की बात होती है तो सवाल ये भी उठता है कि कहीं विकास ये ना हो शहरों तक या मैदानों तक या जहां तक सड़क जाती हो सिर्फ वहीं तक ही पहुंच जाए। कैसे आपकी सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है कि वो विकास दूर दूर आदिवासी या नक्सल प्रभावित एरिया में भी पहुंचेगा? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार थी तो इतना अत्याचार, भ्रष्टाचार हुआ, तानाशाह के लोग परेशान हो गए थे और लोगों को पुराना दिन याद आने लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कितनी शांति थी, समृद्धि थी, विकास था। तो लोग त्रस्त हो गए थे और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी रायपुर आए तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि अब नहीं से वो बदल के रही, वो ये लोगों के दिल को छू गया और लोगों के मन में एक ये भाव आ गया कि वाकई में इस भ्रष्टाचार, अत्याचारी और अन्यायी सरकार को बदलना है। और लोगों ने साइलेंटली इतना बड़ा कर दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई, सरकार बनी और लोगों को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छा काम करेगी, क्योंकि 15 साल के काम को भी देख लिए थे कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने प्रदेश में चहुमुखी विकास कराए। कांग्रेस सरकार आने के बाद सारे विकास के कार्य बंद हो गए थे, लोग परेशान थे, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं। इनके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता भी बधाई के पात्र हैं जी। सत्यप्रकाश जी, जी जी ये पढ़ने जी, एक तो मैं बोलूंगा कि ये बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी बैठे थे नानी जी, वो हमारी वित्तीय मैनेजमेंट की बात है। देखिए, हमारी सरकार जब थी आखिर के 2 साल हमने 1 रुपया कर्जा नहीं लिया था, पहली बार। दूसरी बात, 54,000 करोड़ जो केंद्र सरकार से लेना बकाया रहता था और कितने अड़चने पैदा करते थे ये वो भी सबके सामने, इसके बावजूद भी आम जन की जो भी योजनाएं थी वो कहीं नहीं रुकी। किसानों को समय में पैसा मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला, तमाम चीजें योजनाएं थी जो लाभकारी योजनाएं थी जनता के लिए चल रही थी वो सब हमने करके दिखा। एक से बोलो चिमनानी जी ने यहाँ पे टेक्निकली इतना समझाया। देखिए, वो ये टेक्निकली बातें करके एक जाल बुन के अपने नेताओं को खुश करते हैं, कर सकते हैं, मगर जनता को नहीं कर सकते। जनता आजकल बहुत जागरूक होगी, पढ़ी लिखी जनता है। लेकिन इन्होंने बात की, एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, आम जनता के हिसाब से बात करता हूँ। इन्होंने बोला कि ये वित्तीय मैनेजमेंट में 20,000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं,
तो आप 20,000 करोड़ का कर्ज ले रहे हैं, उसके ऊपर आपका जो ब्याज है उस मात्र का ब्याज बैठ के 8,400 करोड़ पिछले जो हमारा आगे जोड़े उससे 1500 करोड़ के एक्स्ट्रा है, मतलब बढ़ के इंक्रीज हो रहा है 1500 करोड़। तो आपका सिर्फ ब्याज बैठ का 1500 करोड़ बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि उसने हर वर्ग का ख्याल रखा है, लेकिन विपक्ष के तौर पर विपक्ष कह रहा है कि किसी भी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया। सत्यप्रकाश जी, इतना ही समय था मेरे पास। टंकराम वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, और अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ का साई सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर का ये कहना है कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, किसानों के लिए खजाना खोल दिया गया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं किसी को कुछ नहीं दिया, और जहां दिया भी गया है तो वहां क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए।